नारनौल में आज सतनाली के रेलवे स्टेशन पर 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में महिला कांग्रेस नेत्री डॉक्टर राज सुनेश यादव व पूर्व जिला प्रमुख भाई राम सिंह की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सुधा भारद्वाज मुख्य रूप से उपस्थित रही। प्रदर्शन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से शुरू हुआ, जो महावीर चौक व महेंद्रगढ़ रोड होते हुए लघु सचिवालय पहुंचा। लघु सचिवालय में पहुंचने के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन डीसी मोनिका गुप्ता को दिया गया। सतनाली के रेलवे स्टेशन पर एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना के विरोध में महिला कांग्रेस नेत्री डॉक्टर राज सुनेश के नेतृत्व में शहर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को लेकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में इकट्ठी हुई, जहां से महिलाएं प्रदर्शन करते हुए महावीर चौक महेंद्रगढ़ रोड होते हुए लघु सचिवालय पहुंची। लघु सचिवालय परिसर में भी महिलाओं ने करीब 20 मिनट तक सरकार विरोधी नारे लगाए। इस मौके पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हाल ही में सोनीपत में महिलाओं की झुग्गी झोपड़ी में घुसकर उनके साथ दरिंदगी की गई, इससे एक महिला की मौत भी हो गई थी। वहीं अब नया मामला सतनाली में 5 साल की बच्ची के साथ रेप का आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इससे महिलाओं में रोष है। उन्होंने कहा कि आए दिन प्रदेश में हो रही घटनाओं से महिलाओं में डर का माहौल है, इसलिए अब समय आ गया है कि भाजपा सरकार को सत्ता से दूर करें ताकि प्रदेश में महिलाओं को बचाया जा सके। इस मौके पर डॉक्टर राज सुरेश यादव ने कहा कि जिला महेंद्रगढ़ के सतनाली में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ हुए अत्याचार के मामले में अभी तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार भी नहीं कर पाई है। इस मासूम बच्ची के परिजन अभी भी सदमे में हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। यह तो महज एक मामला है। मैडम आज क्या कार्यक्रम है? देखिए, हम महिलाओं के अत्याचार जो हो रहे हैं हरियाणा में, आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। खबरें यही आ रही हैं कि आज फलां लड़की के साथ, बच्ची के साथ, ना 5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची सुरक्षित है, ना 70 साल की महिला सुरक्षित है, ना घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है। तो क्या करें, महिलाएं क्या करें? और हरियाणा में, जो कि हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और वहाँ पर बेटियों की ये स्थिति है, तो मुझे तो ये लगता है कि भाई ये सरकार जो है बहुत कीर्तिमान बनाने में लगी हुई है। जैसे कि बेरोजगारी में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 3, और महंगाई में चरम सीमा लांग दी है। तो ये तो एक कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हरियाणा में क्या महिलाओं की सुरक्षा है? कहाँ प्रशासन है? कहाँ प्रशासन है? क्या चल रहा है यहाँ पर? हर रोज 9 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि महिलाओं की क्या स्थिति है। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पे 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो कितनी शर्मनाक बात है हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए कितनी शर्मनाक बात है। पानीपत में हुआ, 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, 1 महिला की मौत हो गई है, घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो क्या है, क्या राज चल रहा है यहाँ पर? यहाँ तो बिल्कुल ही जंगल राज हो गया। मैडम, अगर चरखी दादरी और जिला महेंद्रगढ़ की बात करें तो लड़कियों को अगवा किया गया है। देखिए, वही बात बता रही हूँ कि 78 केसेस हैं नारनौल के, 68 केसेस में से 25% तो अभी हाथ ही नहीं लगाया गया, ना अपराधी पकड़े गए हैं, ना कोई उनपे कार्रवाई तो करनी दूर की बात रही। तो ये क्या कर रही है सरकार? तो कहने का तात्पर्य ये है, जो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जी